स्वागत हो गया एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल दिल स्टार ड्रीम फैंटेसी पर। और आज का मुकाबला जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, मैच नंबर 46 जो कि वेस्ट इंडीज वर्सेस USA के बीच में 22 जून मॉर्निंग में दोस्तों 6 बजे ये मुकाबला जो है किनिंगटन ओवल के पिच पर खेला जाने वाला। तो आज के मैच में दोस्तों हमारी यूनिक ग्रांड लीग, मेगा लीग और स्मॉल लीग 3 से 4 मेंबर वाली टीम का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से दोस्तों टीम बनानी होगी, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन आज के इस मैच में ट्राई करके चलना होगा और दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हर एक खिलाड़ी के बारे में ओवरऑल स्टैट्स देखेंगे, किसको हमें फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना है, किसको सेकंड इनिंग में, और खास करके दोस्तों आपको बताऊँ ये टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहने वाला है मैच स्टार्टिंग का। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको 5:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है, अलार्म सेट कर लेना अपने मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि भाई टाइम से आपको टीम जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बढ़ेंगे आगे, टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैं कहूँगा दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, और फिलहाल वहाँ पे आपको जो है फाइनल टीम फ्री टीम मिल जाती है, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है। दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, किनिंगटन ओवल ब्रेज टाउन के पिच पर दोस्तों मुकाबला खेला जाने वाला है। टोटल यहाँ पे T20 के जो है दोस्तों 27 मैच खेले गए, जिसमें जो टीम पहले बैटिंग करी है उसने 18 मैच जीते हैं, चेस करंट टीम ने 9 मैच जीते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 150 का स्कोर दोस्तों 9 बार बन चुका है, 150 से 169 के बीच में स्कोर 7 बार बना है, 170 से 189 का स्कोर दोस्तों 7 बार बन चुका है, और दोस्तों यहाँ पे 190 प्लस का स्कोर 4 बार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पिच दोस्तों अगर हम देखेंगे तो पिच एक हिसाब से कह सकते हैं यहाँ पे बैट्समैन भी बढ़िया कर सकते हैं और बॉलर्स तो लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विकटें चटका रहे हैं। तो स्पिनर पेसर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं पेसर को ज़्यादा विकटें मिलती हैं और स्पिनर को थोड़ी सी कम हेल्प है। हालांकि स्पिनर के ऊपर भी ध्यान देना होगा क्योंकि सामने टीम जो है दोस्तों USA है, तो फिर आकिल हुसैन जैसे बॉलर जो कि वेस्ट इंडीज की तरफ से मिल रहे हैं, लास्ट मैच तो फ्लॉप में बट उससे पहले मैचेस में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे, तो उनके ऊपर दोस्तों फोकस करने की हमें जरूरत पड़ने वाली। रिसेंट मैच की बात कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान वाला मैच आपने देखा ही होगा। फिलहाल अपनी इंडिया टीम जो है पहले बैट करते हुए दोस्तों 181 का स्कोर किया था और यहाँ पे अफगानिस्तान 134 पे ऑल आउट हो गई थी। हालांकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपनी इंडिया टीम की तरफ से भी 8 विकेटें गिर गई थी, भाई पावर प्ले में ही कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की विकेट चली गई थी। और एक मैच और देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 201, इंग्लैंड यहाँ पे 165 एंड दोस्तों नामीबिया जो है 155 स्कोर टेन 157 एंड यहाँ पे ओमान 109 और दोस्तों यहाँ पे नामीबिया 109। हालांकि दोस्तों मैच कहीं ना कहीं जो कि फिलहाल सुपर ओवर में चला गया था, बट कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो पेसर को यहाँ पे विकेट ज़्यादा हैं, हालांकि स्पिनर को भी यहाँ पे ठीक ठाक विकेट मिल जाते हैं, तो स्पिनर बॉस को भी आपको इग्नोर नहीं करके चलना होगा। दोस्तों बात कर लेंगे यहाँ पे हेड टू हेड मुकाबलों की जो कि दोनों टीम के बीच अगर हम देखेंगे, फिलहाल जो है टोटल मैच तो अभी तक एक भी मैच दोस्तों खेला नहीं गया है, तो ये पहला मैच होगा दोनों टीम के बीच में T20 फॉर्मेट में। रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ भी आपको पता करने के इंग्लैंड से हार करके आ रही है और USA का भी दोस्तों आपको पता करने के ये टीम भी हार करके आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पता कि वेस्ट इंडीज़ इस मैच को ईजिली जीत सकती है, बट हमें यहाँ पर USA की तरफ से भी कहीं ना कहीं दोस्तों 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको रखना होगा जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे बना सकते हैं, विकेट भी चटका सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से वीडियो आप लोग देखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली, बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेंडन किंग, जोसन चार्ल्स ये ओपनिंग करते हैं, फिर आपको यहाँ पे निकोलस पूरन तीसरे नंबर खिलाड़ी मिलते हैं, फिर रोस्टन चेस एंड सरफिन रदरफोर्ड, एंड्रे रसल, रोमन पॉवेल, रोमारियो सैफर्ट, अल्जारी जोसेफ और यहाँ दोस्तों अकील हुसैन, गुडेकेस मोटी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पता है कि ये दो स्पिनर मिल रहे हैं इस टीम से, तो यार ये दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं, तो इनको तो आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे जोसेफ आपको पता लगातार अच्छे विकेट चटका चुके हैं, रोमारियो सैफर्ट दोस्तों कहीं ना कहीं बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग के चांस बन सकते हैं, हालांकि रसल भी ओवर कराते हैं एंड दोस्तों रोस्टन चेस के भी ओवर के चांस बनते हैं, हालांकि ये प्लेयर भी ओवर करा सकता है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस टीम की तरफ से जो बॉलिंग ऑर्डर आपको मिलने वाला है, तो स्टार्टिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अकील हुसैन, रोमारियो सैफर्ट, एंड्रे रसल बॉलिंग करते हुए नजर आए थे लास्ट मैच में, डेथ की बात करेंगे सैफर्ट और यहाँ पे जोसेफ और दोस्तों एंड्रे रसल। लेकिन यहाँ पे प्लेयर के स्टैट और रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी हमारे फैंटेसी मेगा ग्रांड लीग या स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहने वाले, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलेंगे। दोस्तों ब्रेंडन किंग की अगर हम बात करें तो ये खिलाड़ी इस मैच में आपको कहीं ना कहीं फिर से 30 से 35 रन बना करके दे सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके ड्रीम टीम में दोस्तों खिलाड़ी शामिल होगा, तो बिल्कुल आप टीम में रख सकते हो क्योंकि लास्ट मैच बैक हुआ है दोस्तों, परफॉर्मेंस 23 रन की पारी है, बाकी यहाँ पे 7, 9, 13 तीन मैच लगातार फ्लॉप था, 34, 44, 36, 79 आपसे T20 फॉर्मेट में बैटिंग करता है और आपको पता कहीं ना कहीं फर्स्ट बैट करते हुए अच्छा स्कोर बनाता है और वेन्यू पे 6 मैच 144 रन दोस्तों 28 का औसत है, वेन्यू पे भी बैटिंग कर चुके हैं तो समझ लीजिए कि काफ़ी बढ़िया इस वेन्यू पर बैटिंग कर सकते हैं। दोस्तों 240 की बात करेंगे तो 38 और यहाँ पे 43 ये खिलाड़ी तेज खेलने वाला है, हो सकता है दोस्तों ये आपको इस मैच में अर्धशतक भी बना के दे, बट कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी अपने फैंटेसी टीम में हम ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट बैट करते हुए एंड यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करेगी। तीसरे नंबर दोस्तों खिलाड़ी निकोलस पूरन जो कि आपने देखा यहाँ पे 36
और दोस्तों 98, 17, 22, 27 हिसाब से इनका रिसेंट फॉर्म है। खिलाड़ी यूनिक है, टीम में रखने की बात करें रख सकते हैं गाइस। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस खिलाड़ी को आप सीबीसी का भी ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि वेन्यू पे दोस्तों 42 का औसत है, 8 मैच में 252 रन है, बिल्कुल यूनिक प्लेयर हो सकता है आपके लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी होगा। रोशन चेस दोस्तों मैंने कहा कहीं बॉलिंग कराता है, हालांकि बैटिंग के चांस थोड़े से कम बनेंगे, नीचे भी बैटिंग कराई जा सकती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक विकेट मिल गई थी 0+0 और यहाँ पे बैटिंग ना ही बॉलिंग दोस्तों 42+0, मतलब दोस्तों कहने के एक हिसाब से कहा जा सकता है कि खिलाड़ी रिस्की भी है, क्योंकि यार हो सकता है इसका इसको बॉलिंग ही ना दी जाए, ठीक है, ये भी कंडीशन पैदा हो सकती है, बट स्पिनर है और चांस थोड़े बहुत हो भी सकते हैं, इसलिए कहूँगा कि अभी के लिए दोस्तों अगर आप 3 से 4 मेगा ग्रैंड लीग टीम बनाते हैं तो एक टीम में रखिएगा, और जो कि दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट इस खिलाड़ी को लेकर के मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, ठीक है। और उस हिसाब से हम लाइनअप देखेंगे कौन कौन से खिलाड़ी इस टीम से खेलने वाले, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सरफिन रदरफोर्ड की, 28 यहाँ पे 1, 68, 22, ये खिलाड़ी भी तेज खेलने वाला है। बाकी आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप है भाई, यहाँ पे कोई खिलाड़ी टिक के खेलने वाला नहीं है, सब आते हैं भाई 20 से 25 गेंद खेलते हैं, 30 से 40 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं, उस कंडीशन में फिर यहाँ पे दोस्तों सभी प्लेयर का बैटिंग आ जाता है, तो फिर यहाँ पे यह खिलाड़ी भी यूनिक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट दोस्तों सरफिन रदरफोर्ड और जो कि ब्रेंडन किंग हो गए, इन दोनों में किसी एक का ही सिलेक्शन हमारे टीम में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, दोनों को एक साथ आप मत रखिएगा। अंदर असल की बात करेंगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड फास्ट मीडियम पेसर हैं, लास्ट मैच यहाँ पे 1+1 विकेट, 3+1 विकेट, 14+1 विकेट, अगर दोस्तों वेस्टइंडीज चेस करती है तो फिर मैं उस कंडीशन में कहने के रसल को सीबीसी के लिए एक रिस्की खिलाड़ी समझूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक बैटिंग आना मुश्किल है, ठीक है, फिर जो पॉइंट हमें मिलेंगे वो बॉलिंग से ही मिलेंगे। अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर रसल को आप कैप्टन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बैटिंग के चांस ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं जो वेस्टइंडीज टीम होगी वो अच्छा स्कोर बनाने के लिए सोचेगी, फिर बॉलिंग भी कराएंगे रसल, और इस वेन्यू पर दोस्तों कहने गई 2 मैच में 36 रन 3 विकेटें भी इनकी। बाकी दोस्तों बात करेंगे रोमन पोवेल की, तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर तक की बैटिंग चल रही है, और यहाँ पे 36, 26, 1, 23 ये खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं लगातार ड्रीम टीम में शामिल हो रहा है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी की ड्रीम टीम में शामिल का मतलब यही है कि ब्रेंडन किंग की विकेट जल्दी गिरना, ठीक है, और उस कंडीशन में कहीं ना कहीं यहाँ तक बैटिंग आ जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पे रोमारी साइफर्ट बॉलिंग लास्ट मैच में आप को देखने को नहीं मिली, बाकी यहाँ पे 1, 28, 68 हिसाब से इन्होंने रन बनाए खिलाड़ी, ये भी बढ़िया, बट यार यहाँ तक बैटिंग एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे बात कर लेंगे अकील हुसैन की, तो फिर आपने देखा लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिली, बाकी यहाँ पे 2 विकेट 1 विकेट 5 विकेट, वेन्यू पे दोस्तों 8 में 10 विकेट, खिलाड़ी बढ़िया होगा, टीम में रखेगा, सेव इसे का भी आपके पास ऑप्शन होगा इस मैच में। जोजेब की बात करेंगे 0-1 और यहाँ पे 4-2 हिसाब से इन्होंने भी परफॉर्मेंस दिया है, तो ये खिलाड़ी भी आपको टीम में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वेन्यू पे एक मैच खेला दोस्तों 3 विकेटें भी चटकाई हुई हैं, खासकर दोस्तों फर्स्ट बॉल करते हुए ज़्यादा विकेटें निकालते हैं। एंड गुडागेस मोटी की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे लास्ट मैच 0 विकेट थे, बाकी यहाँ पे 2 विकेट 3 विकेट, फर्स्ट बॉल करते हुए 4 में 6 विकेटें, सेकंड 4 में 8 विकेटें, ये भी यूनिक खिलाड़ी होगा। दोस्तों कम से कम आपको एक टीम तो ऐसी बनानी होगी जिसमें कि दोस्तों आप मान चलिए कम से कम दोस्तों 6 से 7 प्लेयर जो है आपको वेस्ट इंडीज़ के रखने मेगा ग्रैंड लीग में, फिर उसमें आप 3 से 4 खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो यूएसए के प्लेयर ले सकते हो। बाकी दोस्तों बेंच में आपको इस टीम की तरफ से मिलने वाले ओबेड मकोए अच्छे बॉलर्स आते गए तो टीम में रखने लायक होंगे, साइयोब भी खेल कर गए 25 रन बनाया था, सिमरन हेटमेयर और यहाँ पे समर जो जब कोई भी आ गए तो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर किया जाएगा, हालांकि दोनों खेलेंगे तो फिर कहने के टीम पे सिलेक्शन वाले प्लेयर रहने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे यूएसए की तरफ से, हालांकि दोस्तों इस टीम की तरफ से भी 1-2 प्लेयर ऐसे मिलते हैं जो कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि ओपनर यहाँ पे स्टीवन टेलर, मोनक पटेल, हालांकि एंडोगोस और एजोस ये दोनों लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। एंडोगोस का आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ने टीम में रखा था भाई, इस खिलाड़ी ने किस हिसाब से पॉइंट दिए थे, और यहाँ पे कोरी एंडरसन बॉलिंग में बैटिंग देखने को मिल जाती है, सैन जहांगीर एंड फिर हरमीत सिंह जो कि लास्ट मैच दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस था बॉलिंग और बैटिंग दोनों से। एंड यहाँ पे फिर दोस्तों केंजी के मिल जाएंगे जसदीप सिंह, अली खान, सौरभ, दोस्तों कहीं ना कहीं इस टीम से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे आप मान लीजिए ये 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आप हरमीत सिंह के ऊपर भरोसा जता सकते हैं, अली खान और यहाँ पे सौरभ, दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं ये 5 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके साथ कम से कम आप 4 खिलाड़ियों को अपनी मेगा ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई करेगा यूएसए की तरफ से। बाकी दोस्तों बॉलिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको सौरभ, अली और यहाँ पे केंजी के मिल जाएंगे बॉलिंग करते हुए, डेथ में सौरभ, अली खान और यहाँ पे जसदीप दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे इस टीम के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म के बारे में, स्टीवन टेलर दोस्तों लगातार अब 2-3 मैचेस से बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में दोस्तों कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी यूनिक भी हो सकता है, रन भी ठीक ठीक बना रहा 24 और यहाँ पे 24-12, तो मतलब 30 से 35 पॉइंट का ये जुगाड़ कर देता है, ठीक है, 30 से 35 पॉइंट का, तो फिर मेगा ग्रैंड लीग के लिए सिलेक्शन वाला खिलाड़ी हो सकता है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम है, आपको पता है किस प्रकार से उस टीम ने लास्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट में गलती करी थी बॉलिंग लाइनअप से, अगर वो गलती फिर से दोहराती है तो ये टीम के जो खिलाड़ी हैं ये भी आपके लिए यूनिक प्लेयर साबित
साबित हो सकते हैं। मोनक पटेल भाई लास्ट मैच यहाँ पे देख सकते हैं 50-16, 42-12, 2-68 हिसाब से खिलाड़ी खेलता है, बढ़िया खिलाड़ी ये भी है दोस्तों। फर्स्ट बैट करते 35 और 225, दो में किसी एक का सिलेक्शन करना चाहें तो कर लीजिएगा। जहाँ तक दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। बाकी मोनक पटेल एक लंबे खिलाड़ी, लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, देखिए यहाँ पे 68 और यहाँ पे दोस्तों 50-32। बाकी दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर के जो खिलाड़ी होंगे एंड्रू घोष, और ये राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट मैच 80 रन की पारी इन्होंने खेली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। मतलब दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम के बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में इन्होंने इतनी अच्छी रन बनाए, इतनी अच्छी पारी दोस्तों खेली, तो कहीं ना कहीं टीम में सिलेक्शन करने वाला खिलाड़ी होगा। और इसने क्यों पारी दोस्तों खेली होगी, यहाँ पे बैक टू बैक हाफ सेंचुरी इसने लगाए T20 फॉर्मेट में, यहाँ पे 65 रन की पारी दोस्तों, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 35, तो बिल्कुल टीम में रखने लायक खिलाड़ी होगा दोस्तों, ठीक है। खास करते हैं दोस्तों चेस करते हुए अच्छे रन बनाता है, 35 का हो सकता है, फर्स्ट बैट करते हुए 28 का है। एरन जोरेस जो कि भाई दो मैच से लगातार फ्लॉप चल रहा, बाकी हाईएस्ट पारी सीजन की 94, और दोस्तों कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी अच्छा भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि तेज खेलने वाला खिलाड़ी है और पिच कहीं ना कहीं दोस्तों बढ़िया रन बनाने का मौका देती है। अगर ये टीम पहले बैटिंग करती तो जोन से हम ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोरी एंडरसन बॉलिंग बैटिंग दोनों, हालांकि दोस्तों अभी तक 2-3 मैच से देख रहे हैं कि उतने अच्छे पॉइंट नहीं मिला, तो स्टीवन टेलर इनसे ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हरमेश सिंह लास्ट में दोस्तों 38 रन + 2 विकेट हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल जाते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचेंगे, खास करके जब दोस्तों ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, ठीक है। और हालांकि उतना खास रोल इनका है नहीं, देख सकते लगातार फ्लॉप हैं यहाँ पे, बट लास्ट मैच परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, तो भाई ज़्यादातर लोग इनको टीम में ट्राई करें क्योंकि दोस्तों इन्होंने बॉलिंग कराई थी, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क ये भी नहीं लेना कि यार 3 मेगा ग्रांड लीग की टीम बना दो तो इस खिलाड़ी को लेकर चलेगा, भाई इनसे बेस्ट ऑप्शन मोनक पटेल भी हो सकते हैं और स्टीवन टेलर भी हो सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे सयान जहांगीर की बात करें, कुछ खास रोल है नहीं, और यहाँ पे केंजी के लास्ट मैच फ्लॉप, बाकी उससे पहले 3 विकेट हैं। चांस देना चाहते हो दोस्तों जब पहले यूएसए बॉलिंग कर रही हो तब दे सकते हो अपनी टीम में। जसदीप सिंह लगातार 2 मैच से फ्लॉप, उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, और ड्रॉप करना चाहूँगा। अली खान दोस्तों लास्ट मैच फ्लॉप हो गए, बट उससे पहले कंसिस्टेंट रहे हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी करते हैं। सौरभ दोस्तों आपको पता करेंगे सीबीसी का ऑप्शन होंगे, क्योंकि भाई लगातार 3 मैचेस से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपने इंडिया के दोस्तों और ये खेल रहे हैं यूएसए से, खास करके सेकंड बॉलिंग करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस रहती है दोस्तों, उनको सीबीसी आप कर सकते हैं सेकंड इनिंग में। बाकी दोस्तों बेंच की बात कर लेंगे तो निशक पटेल, नीतीश कुमार और यहाँ पे एस पैन मिल जाएंगे, मिलिंद कुमार दोस्तों, ठीक है, बेंच में आपको मिलने वाले की प्लेयर्स दोस्तों, जो खिलाड़ी यहाँ पे रखने लायक टीम में रहने वाले सीबीसी का दोस्तों जो ऑप्शन रहने वाले। बाकी दोस्तों ट्रंप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अकील हुसैन, अली खान और यहाँ पे स्टीवन टेलर। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए जो हमारी 1 मेगा ग्रांड लीग टीम रहने वाली, बाकी आप टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों फाइनल 3 से 4 मेगा ग्रांड लीग की टीम मिलती है, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कमेंट सेक्शन, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहेगा। अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है तो कैप्टन हम निकोलस पूरन और अंदर असल को ट्राई कर सकते हैं, सीबीसी का कॉम्बिनेशन। बाकी चार्लेस और ब्रेंडन किंग दोस्तों हमने रखा है, तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है कि फिर आप सरफिन रदरफोर्ड को मत रखेगा, अगर आप सरफिन रदरफोर्ड को रखना चाहते हैं तो फिर किंग को ड्रॉप कर सकते हैं। एंड्रू घोष का रखा है, और दोस्तों यहाँ पे साइफर्ट की जगह पे आपको जो रोमारी साइफर्ट को आपने रखा है, इसके जगह पे दोस्तों एरन जोनस हो गए, मोनक पटेल हो गए, स्टीवन टेलर का ऑप्शन दे सकते हो। बाकी अली खान दोस्तों इनको आप ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे प्लेयर रखने के जो कि यूएसए की तरफ से दोस्तों, ठीक है, जैसे कि हरमेश सिंह हो गए। बाकी हमें बॉलिंग सेक्शन से आके हुसैन को ट्राई किया, जोजे को ट्राई किया, गुडकेश मोटी एंड दोस्तों यहाँ पे सौरभ को ट्राई किया गया। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करेगी तो ये कॉम्बिनेशन करके चलेंगे, और अगर दोस्तों यूएसए बैटिंग पहले करेगी तो फिर उस टीम को आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पर देखना होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए 3 से 4 मेगा ग्रांड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम, और 3 से 4 नंबर वाली टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है दोस्तों, तो बिल्कुल फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कमेंट सेक्शन, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।